वेलकम टू KRS फूड मैजिक। मैं हूँ इशिता पारेख और आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब खा सकते हैं, जिसका नाम है रागी डोसा। तो रागी एक न्यूट्रिशन से भरपूर है, उसमें आयरन है, कैल्शियम है और विटामिन्स है। तो ये रेसिपी रागी जो है वो 8 मंथ प्लस बेबीज है, किड्स है, टोडलर्स है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है और जिसको डायबिटीज है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं रागी डोसा। तो चलिए शुरू करते हैं रागी डोसा। रागी डोसा मैं बेसिकली यहाँ पे बेबीज के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप रागी का जो तैयार फ्लोर आता है वो लिया है। तो 1/2 कप हम रागी फ्लोर डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जितना अदरक का पेस्ट है वो डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना दही लिया है तो वो डालेंगे। ये जनरली बेबीज के लिए है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं डाला है, ऑनियंस नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो वेजिटेबल्स भी। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अभी 1 कप पानी लिया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला रखना है, बहुत ठीक नहीं रखना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और लम्स भी नहीं रहने चाहिए। तो मिक्स कर लेते, अभी थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा सा और पानी डालते हैं। अभी तक मैंने ये 1 कप पानी डाला है। अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, थोड़ा ही पानी डालेंगे। तो 1 कप एंड थोड़ा 1/4 टीस्पून जितना पानी डाला है हमने। देख सकते हो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी हम डोसा बनाते हैं। हम बेबी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ऑयल में और थोड़ा घी में करेंगे। मेरा पैन गरम हो गया है, अभी इसको पहले थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। और टिश्यू से थोड़ा साफ कर लेते हैं। भी छोटे छोटे रख देते हैं। तो भी सबको घी थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। यहाँ पे मीडियम गैस पे ही दोनों साइड, इसको मीडियम से भी थोड़ा स्लो गैस पे हम दोनों साइड 5-5 मिनट होने देंगे। भी इसको एक बाजू हो गया है, दूसरी साइड पलटाने की कोशिश करते हैं। अब देख सकते हो एकदम अच्छा टेक्सचर आया है। धीरे धीरे 1 बाय 1 तीनों को पलटा लेते हैं। एकदम ध्यान से पलटाना है हमें, ये भी अच्छा हुआ है। ये थोड़ा भी बाकी है, इसको होने देते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों को पलटा लिया है। अब देख सकते हो एकदम अच्छे से पक गया है। तो 5 मिनट आपको दोनों साइड होने देना है स्लो गैस पे, स्लो से मीडियम वाले। अभी दूसरी साइड 5 मिनट होने देते हैं। तो दूसरी साइड भी
हमारा डोसा देखो हो गया है। तो अभी इसको सर्विंग प्लेट में ले ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन और भी बना लिए हैं, तो ये भी रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो दोनों साइड से रेडी हो चुके हैं। तो रेडी है हमारा रागी डोसा, इसको सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। रेडी है हमारा रागी डोसा। मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर भी सबको थोड़ा ही घी लगा दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए है तो बेबीज के लिए स्पेशल, तो थोड़ा घी अच्छा रहता है। हमने अंदर भी डाला है तो थोड़ा ही मैंने ऊपर लगाया है। और इसको दही के साथ अब बच्चों को खिला सकते हो। दही भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो अगर ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो रेडी है हमारा रागी डोसा। तो रेडी है हमारा रागी डोसा, वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए भी अच्छा है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और अपने बच्चों को खिलाना, और मुझे कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करना। थैंक यू।